आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। आजीविका का साधन बनी निबोली। खेतों में नौनिहाल बड़ी तादाद में बिन रहे हैं निबोली। निबोली का बढ़ चला चलन बिस्थान अंचल में नीम के पेड़ की बहुतायत होने से इसका अलग ही महत्व है। नीम दांत खाज खुजली का रामबाण इलाज है। इसके तेल से कीटनाशक दवा और साबुन तक बनाए जाते हैं। हमारे जिले को निमाड़ का दर्जा नीम के पेड़ ने ही दिया है, जो आजकल रोजगार भी दे रहा है। नीम औषधीय गुणों की खान है। नीम के पेड़ कीट पतंगे मच्छरों के प्रकोप और साथ व्याधियों को दूर करते हैं। साथ ही प्राण वायु ऑक्सीजन सबसे अधिक छोड़ते हैं, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। फरवरी में फूल बनने की प्रक्रिया होती है, जो बड़े होते होते मई जून में फल बारिश पूर्व आ जाता है। इससे फल की तादाद से कुछ जानकार लोग बारिश का आकलन कर लेते हैं। दिलचस्पी से बच्चे खेल पाती में निबोली बीन कर पॉकेट मनी जेब खर्च की भी जुगाड़ कर रहे हैं। इन दिनों खेत खलियानों में टोली बनाकर पेड़ के नीचे पहुंचकर टोकरियों में बच्चे परिजन निबोली बिनकर स्टॉक कर बाजार में विक्रय कर रहे हैं। निबोली व्यापारी मंत्री मुकेश राठौर के अनुसार 10 रुपए से 15 रुपए तक भाव दिए जा रहे हैं। औसतन 8 से 10 किलो तक एक बच्चा निबोली बिन लेता है। व्यापारी को भी माल बेचने में दिक्कत नहीं होती। वन विभाग भी इस निबोली को खरीदता है। बिस्थान से अखिलेश भावसार की रिपोर्ट।